ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ठाणे पुलिस ने डकैती करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 9 आरोपी इतने खतरनाक थे कि दुकानों में हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम देते थे। शातिर लुटेरे ठाणे कलवा टिटवाला ऐसे अन्य जगहों पर दुकानों में ताला तोड़कर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। ठाणे पुलिस ने कलवा में 27 जून को एक ज्वेलर्स की दुकान में 4 लोग लूट की घटना को अंजाम देने आए थे, मगर दुकान मालिक के शोर मचाने पर लुटेरे अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। मगर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली और बाइक के आधार पर आरपीएफ कॉलोनी एमजी रोड मुलुन के रहने वाले 28 वर्षीय झुम्मा चौधरी को पुलिस ने पकड़ा। मगर पुलिस ने जब झुम्मा चौधरी से कड़ाई से पूछताछ की तो झुम्मा चौधरी ने एक एक कर और भी 8 लोगों के नाम बताए। आरोपियों के नाम मूलचंद विश्वकर्मा, सुशील कुमार चौहान, मनोज शर्मा, संदीप कुमार सिंह, धर्मवीर पासी, भोले सिंह, सत्यम सिंह शुक्ला, सोनू अमित सिंह, यानी ठाणे पुलिस ने कुल 9 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी मुलुन और मुमरा दीवा ठाणे आदि परिसरों में रहते थे, मगर ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि मात्र 24 घंटों में पुलिस ने कलवा ज्वेलर्स की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने आए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 9 आरोपियों के बारे में डीसीपी सुभाष भोरसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं। 27 तारीख को रात को एक ज्वेलर है, उसके शॉप पे कुछ लोगों ने डकैती करने का प्रयास किया था। उस हादसे के दौरान वो एक गाड़ी घटनास्थल पे छोड़ के गए थे। उस गाड़ी के आधार पर कड़वा पुलिस स्टेशन ने ये गुना डिटेक्ट किया है। उसमें 9 आरोपी अब तक निष्पन्न हुए हैं। इस गैंग के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि उन्होंने पहले भी और ऐसे कुछ वारदात किए थे, तो ऐसे 6 गुने अभी तक डिटेक्ट हुए हैं और भविष्य में भी उनका प्लान था कि कुछ गुने किए जाए, और उसके लिए उन्होंने कुछ ज्वेलर्स थाना शहर और ग्रामीण के हाथी में रेकी किया था उन ज्वेलर्स का, तो उनका भी प्रिवेंशन अभी उस कारण हो जाएगा। ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन के तहत 2016 से वो ऑपरेट हो रही है, और जनरली एक बैकग्राउंड बोले तो कामगार लेबर क्लास के लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 7वीं 8वीं तक पढ़े। बहुत से लोग यूपी के तरफ से यहाँ काम करने के लिए आए और दीवा में कुछ लोग रह रहे हैं। पकड़े गए 9 आरोपियों ने 6 गुना यानी 6 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसे पुलिस के सामने कबूल भी किया है। पुलिस ने बताया कि काफी सक्रिय गिरोह था। इनके पास से 4 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, मगर अब ये शातिर लुटेरे सलाखों के पीछे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।